तो क्या गाइस आज की वीडियो में मुझे ये वाला क्लब अपनी इंडियन बाइक साइड गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है। ओ भाई, तो यस गाइस हो सकता है आज की वीडियो में हमें ये वाला क्लब देखने को मिले, क्योंकि भाई लोग आज की वीडियो में भी हम मिथबस्टर्स को कंफर्म या फिर बस्ट करने वाले हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले मिथ की तरफ। मिथ, आप एयरपोर्ट के एरोप्लेन को फोड़ सकते हो, बट आप चीट कोड से आप उसको नहीं फोड़ सकते। चलो सबसे पहले मैं चलता हूँ एयरपोर्ट पे एंड वहाँ पे जो एरोप्लेन खड़ा होता है चल के देखते हैं वो ब्लास्ट होता है कि नहीं। चलो मैं पहुंच चुका हूँ उस एरोप्लेन के पास, अपना आरपीजी निकालता हूँ एंड इस पे फायर करता हूँ। चलो यहाँ पे मैं फर्स्ट फायर कर लेता हूँ, ओके यहाँ पे ब्लास्ट नहीं हुआ है, सेकंड कर लेता हूँ एंड ऑल राइट, यहाँ पे दो फायर करने के बाद हमारा एरोप्लेन ब्लास्ट हो चुका है जो कि ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे खड़ा होता है। तो अब मैं चीट कोड की मदद से इस वाले सेम एरोप्लेन को बुलाता हूँ एंड देखते हैं भाई क्या वो ब्लास्ट होता है कि नहीं। चलो मैं यहाँ पे 3x5 डायल करके एरोप्लेन को मंगा लेता हूँ एंड अब इसको भी आरपीजी की मदद से ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो, यहाँ पे मैं पहला फायर कर लेता हूँ एंड ये पहला फायर किया, अबे ये तो आर पार हो गया। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, भाई जो एयरपोर्ट पे ऑलरेडी खड़ा था वो दो फायर पे ब्लास्ट हो गया, बट इसको मैंने 5 फायर किए फिर भी ये ब्लास्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब जो आप लोग स्पॉन करके एरोप्लेन को मंगवाओगे वो ब्लास्ट ही नहीं होगा। तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ, अगर आप डायनासोर को मार के उसके मुंह में जाओगे तो आपको डायनासोर के अंदर का दिखेगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ मैं इन्फिनिटी हेल्थ लगा लेता हूँ, क्योंकि भाई ऐसे तो डायनासोर को किल करना काफी मुश्किल है। तो यहाँ मैं एक इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड लगा लेता हूँ, 9129 डायल करके इन्फिनिटी हेल्थ हमारी लग चुकी है। अब मैं एक बाइक को मंगा लेता हूँ जिसके हम पास चलते हैं डायनासोर के। चलो अब काफी दूर होता है डायनासोर, इसी वजह से मैंने यहाँ पे बाइक मंगा ली। तो अब चलते हैं एंड अभी मुझे तो वहां पे दिख गया डायनासोर। चलो यहाँ पे मैंने अपनी AKM निकाल लिया तो सामने आ रहा, तो यहाँ पे मैं इसको गोलियां मार रहा हूँ। अब देखते हैं भाई ये कब तक मर रहा है, तब तक हमें मारनी पड़ेगी। गिरने वाला है, शायद गिरने वाला है एंड ऑल राइट, यहाँ पे हमारा गिर चुका है बंदा। तो अब इसके मुंह में चलते हैं, देखते हैं अंदर का सब कुछ दिख रहा है कि नहीं। चलते हैं इसके मुंह के अंदर, भाई साहब क्या ही खतरनाक लग रहा है एंड ऑल राइट, यहाँ पे हमें दिख रहा है अंदर का भी सब कुछ, बस अंदर से दिख कुछ नहीं रहा है, समझ रहे हो। बट लिटरली भाई क्या ही दिख रहा है यहाँ से, तो भाई नेक्स्ट लेवल लग रहा है। तो ऑब्वियसली ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। अच्छा मिथ, हमें न्यू अपडेट में न्यू बाइक दिखेगी घर के सामने। चलो अपडेट तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, तो यहाँ पे घर के सामने चलते हैं एंड देखते हैं क्या न्यू यहाँ पे बाइक है कि नहीं। एंड ओके, यहाँ पे तो न्यू बाइक आई है जो कि स्प्लेंडर है। तो यस, अगर आप लोग भी अपनी गेम को अपडेट करोगे तो आप लोग के घर के सामने अब पुरानी वाली यामा नहीं खड़ी होगी, अब स्प्लेंडर बाइक खड़ी होगी जिसके पीछे RGS भी लिखा है, मतलब रॉयल गेमिंग स्टूडियो। तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। 8123 से मस्टैंग आती है, 8811 से फरारी आती है, उससे पहले अपडेट कर लेना। ओके भाई अपडेट तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो अब यहाँ मैं डायल करता हूँ सबसे पहले 8123 एंड यहाँ पे देखते हैं। ओके यहाँ पे हमारी मस्टैंग GT आ चुकी है जो कि भाई पर्सनली मेरी फेवरेट है, बाकी आप लोगों की कौन सी फेवरेट है वो मुझे पता नहीं यार, आप लोग बता देना। अब मैं यहाँ पे डायल करता हूँ 881 एंड ऑल राइट, यहाँ पर 881 डायल करने के बाद हमें फरारी मिल चुकी है। मैं मस्टैंग को ब्लैक कर लेता हूँ, अब आप लोग देखना, ये देखो भाई ब्लैक करने के बाद हमारी जो मस्टैंग है ना इस गेम के अंदर नेक्स्ट लेवल लगती है, क्रेजी है भाई। ये मस्टैंग और फरारी जो इस अपडेट में आए ना बेस्ट आए हैं, बाय द वे ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ, अगर आप गन चलाते गन ऑप्शन पर जाओगे और मुक्का दबाओगे फिर से गन दबाओगे तो गन अपने आप चलने लगेगी। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गन ले लेनी है एंड गन लेने के बाद फिर गन के ऑप्शन पे दबाना है एंड मुक्के पे दबाना है। तो चलो यहाँ पे मैं गन पे ऑप्शन पे दबा लेता हूँ एंड गोलियां मारते मारते अब मैं गन पे दबाता हूँ एंड मुक्के पे भी, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके यहाँ मैंने सेकंड बार ट्राई किया, यहाँ पे मैं गन चलाते चलाते गन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं गन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ एंड मुक्के पे दबाता हूँ और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ रहा यार, भाई इतना इंटेंस माहौल बना दिया था। तो ये वाला मिथ बस के। मिथ ब्रो, अगर हम RGS2 में फोन कर रहे ये लो लिखी गए तो देखो मैजिक, जल्दी वहां पे हटो। मजाक कर रहा था भाई। भाई आया बेस्ट लोकेशन पे हुए ना, ये वाला ग्रीन डब्बा, उसके बाद ये वाला रेड डब्बा, उसके बाद ये वाला ब्लू डब्बा और ये वाला येलो डब्बा, इसके पास जाके मैं RGS2 ओपन करूंगा क्योंकि इस मिथ की मदद से हमारा जो मोबाइल है वो येलो होने वाला है। तो मैं इस येलो डब्बे के सामने खड़ के येलो टाइप करता हूँ एंड यहाँ पे फोन कलर येलो टाइप करता हूँ एंड देखते हैं क्या येलो होती है कि नहीं। ओके अब मैंने फोन कलर येलो टाइप कर लिया, ऑल राइट यहाँ पर हमारी फोन येलो हो चुकी है लिटरली। तो भाई अगर आप लोग भी RGS2 के अंदर जाकर फोन कलर येलो टाइप करोगे तो आपकी फोन येलो हो जाएगी। तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ, गोस्ट राइडर बाइक के ऊपर एक बाइक चला के रखा तो बाइक ब्लास्ट मारता है पर हमारा करेक्टर बाइक में बैठा रहता है। चलो तो यहाँ पर काफी अच्छा एरिया है, तो यहाँ पर मैं एक गोस्ट राइडर बाइक को मंगा लेता हूँ, अपनी डायल कर लेता हूँ 555, यहाँ पे हमारी गोस्ट राइडर बाइक आ जाएगी। तो गोस्ट राइडर बाइक को यहाँ पे मंगा लेता हूँ एंड यहाँ पर हमारी गोस्ट राइडर बाइक आ चुकी, तो मैं थोड़ा दूर चलता हूँ एंड वहां पे दूसरी बाइक को मंगाता हूँ। चलो यहाँ पर अब मैं एक बाइक मंगा लेता हूँ जो कि मेरी फेवरेट निंजा H2R3
सिग्नेचर डायल करने के बाद ये वाली आ जाती है। तो अब इसमें बैठते हैं एंड उसके ऊपर चला के जाते हैं। लेट्स गो, यहाँ पर मेरी बाइक रेडी है, मैं रेडी हूँ। अब फटाफट से इस आग वाली बाइक के ऊपर इसको जंप कराते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। 1, 2, 3 लेट्स गो। यहाँ पर मेरी बाइक चल चुकी है एंड यहाँ पर हमने जंप करा और भाई बाइक ब्लास्ट हो गई, फिर भी बंदा बैठा था एंड मेरा बंदा भी वास्टेड हो गया। मिथ में था कि बाइक ब्लास्ट हो जाएगी बट बंदा बैठा होगा। ओके, यहाँ पर मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बाइक मंगा लेता हूँ, गोस्ट राइडर बाइक 555 डायल करके। और अब मेरी यहाँ पे वहाँ पे सुपर स्प्लेंडर खड़ी है तो मैं इसमें बैठता हूँ एंड इस वाली गोस्ट राइडर बाइक से जंप कराते हैं। और भाई देखना ये कि बाइक ब्लास्ट होने के बाद भी हमारा कैरेक्टर बाइक के ऊपर बैठा है कि नहीं। चलो मैं अपनी बाइक को अच्छे तरीके से कर लेता हूँ एंड अब इससे जंप करवाते हैं एंड जंप से पहले ही आग लग गई भाई इस पे। तो भाई ब्लास्ट होने के बाद बाइक पे हमारा बंदा बैठा तो है बट बंदा भी हमारा वास्टेड हो जा रहा है। चलो यार फिर भी ये वाला मिथ कंफर्मड है भाई। 50-50 चीट को डायल करोगे तो बेबी डायनासोर मिलेगा। ओके, यहाँ पर मैं डायल कर लेता हूँ 50-50 एंड डायल करने के बाद यस हमें यहाँ पे छोटा डायनासोर मिल चुका है। अबे मैं अच्छी खासी नींद में सो रहा था, तूने मुझे क्यों जगाया, क्यों मंगवाया मुझे यहाँ पर? अरे भाई भूत है क्या तू, बोल कैसे रहा है? अबे तूने बहुत गलत किया है, मुझे यहाँ पे मंगवा गया। मैं अपने सारे भाइयों को बहनों को मंगवाऊंगा, तुम्हें सारे आज नहीं छोड़ूंगा। मैं गरीब हूँ, कुछ भी नहीं होगा, तू गरीब है या अमीर है अब तो मैं तुम्हें देख के रहूंगा। अबे भाई मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो तुम ज्यादा ओवर क्यों हो रहे हो? अभी मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अबे बाहर में जा, कौन सा तू मेरा मालिक है भाई, क्यों मंगवाया मुझे? भाई तेरे को मैं औकात दिखाता हूँ, यही है तेरी औकात भाई। हाँ कहाँ फंसा देते हो यार, ये वाला मिथ कन्फर्मड है। मिथ भाई, अगर आप आरजे स्टूल में चेंज हाउस लिखोगे तो आपका घर चेंज हो जाएगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आज हाउस चेंज हो जाए ना मजा ही आ जाएगा, मैं भी इससे तंग हो चुका हूँ इसमें रह रहे के। चलो यहाँ पर मैं चेंज हाउस टाइप कर लेता हूँ एंड देखते हैं क्या हमारा हाउस चेंज होता है कि नहीं। लिटरली यहाँ पे मैं चेंज हाउस टाइप कर लेता हूँ एंड ओके, यहाँ मैं डन कर लिया। यहाँ पर डन करते हैं ओके और कुछ भी नहीं हुआ। ओ भाई, मैंने तो समझा भाई इससे छुटकारा मिल जाएगा बट कोई बात नहीं, मैंने चेंज हाउस टाइप किया ना, इस बार हाउस चेंज टाइप करके देखता हूँ, हो सकता है इस ट्रिक से भाई चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैं डन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया ओके डन एंड फिर भी कुछ नहीं हुआ यार। भाई मुझे ना एक बात याद आई है, मुझे तो लग रहा है ना ये वाला हाउस हमारा चेंज नहीं होगा बट जो न्यू हाउस आया ना जो एयरपोर्ट पे वो वाला शायद हो जाए चेंज। वहां पर चलते हैं शायद भाई, यहाँ पर मैंने आरजे स्टूल पे हाउस चेंज टाइप किया एंड वहां पर वो वाला हाउस चेंज हो जाएगा, जो ऐसा भी हो सकता है भाई, चल के देखते हैं। एंड अगर आप लोगों को पता नहीं वहां पे कहां पे होता है ये वाला न्यू हाउस तो आप लोगों जस्ट यहां से एयरपोर्ट वाली साइड से यहां पे टर्न ले लेना है, अब सीधा चले जाना है। सीधा जाने के बाद फाइनली कुछ टाइम के बाद आप लोगों के सामने जो न्यू बिल्डिंग दिख रही है ना यहीं पर है न्यू हाउस। जल्दी से पहुंचते हैं देखते हैं भाई, शायद अंदर से वो चेंज हो गया, वो बाहर से तो सेम ही है जैसा होता है, अंदर से देखते हैं चेंज हुआ है कि नहीं। ओके चल के देखते हैं, शायद भाई ये चेंज हो गया ना फिर तो मजा ही आ जाएगा लिटरली। एंड चलो 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 जल्दी चल जल्दी चल एंड भाई देखते हैं अब चेंज हुआ है कि नहीं। एंड नहीं हुआ यार। भाई आप लोग भी आरजे स्टूल की मदद से हाउस चेंज टाइप करके हाउस को चेंज नहीं कर सकते तो ये वाला मिथ बस्ट है। तो एक कार के पास जाकर स्काई फॉल का चीट कोड डायल करके जब नीचे आओगे तब किसी भी गाड़ी या कार में बिना बैठने वाले ऑप्शन दबाने के भी हम उसके अंदर जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक 8811 डायल करके ऑलरेडी एक कार को यहाँ पे खड़ा रख देता हूँ एंड यहाँ पर अब मैं स्काई फॉल का चीट कोड डायल करता हूँ जो कि 1120। तो यहाँ पर मैं 1120 डायल करता हूँ एंड यहाँ पर हमारा स्काई फॉल लग चुका है। तो अब देखते हैं क्या बिना बटन दबाए हमने जो नीचे कार रखी है हम उस पर बैठ सकते हैं या फिर नहीं, फिर उसके अंदर जा सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर मैं उस कार के ऊपर एंड यहाँ पर नहीं, मैं उसके ऊपर नहीं गया हूँ, सॉरी उसके अंदर नहीं जा पाया हूँ। तो ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ, अगर आप आरजेस टू में लोड लिखोगे तो आप वाइल्ड में चले जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। मैं अपनी यहाँ पर फोन निकालता हूँ एंड यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ लोड और यहाँ पे ओके करे डन करते हैं। एंड एक सेकेंड, मैं तो न्यू वाले शोरूम की जगह पे पहुंच चुका हूँ लिटरली लोड टाइप करते ही। भाई उसने तो पता नहीं क्या लिखा था, वाइल्ड में पहुंच जाओगे पता नहीं क्या। मैं फिर से डायल करके देखता हूँ एंड फिर भी मैं यहाँ पे शोरूम पे ही खड़ा रहता हूँ। तो भाई पता नहीं क्या लिखा था उसने, बाय द वे यहाँ पे मैं लोड टाइप करते ही शोरूम पे पहुंच चुका हूँ, यही बड़ी बात है भाई। तो मेरे हिसाब से ये वाला मिथ भी ऑब्वियसली कंफर्मड है। तो गाइज आज के लिए कुछ इतने ही मिथ थे जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताए थे एंड उनमें से काफी सारे मिथ ऐसे थे जो कि कंफर्म थे एंड काफी सारे मिथ ऐसे थे जो कि बस्ट थे। और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।
अच्छा तुम लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे मिस बता दो यार, आजकल तुम लोग मुझे अच्छे अच्छे मिस नहीं बता रहे हो कमेंट सेक्शन में। जो कि भाई न्यू अपडेट में मिस आए या फिर पुराने मिस से जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए, तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो। और अगर आप लोगों को कोई भी मिस नहीं आते तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में चीट कोड्स भी बता दो। अगर आप लोगों को मिस नहीं आते तो मैं आप लोगों के चीट कोड्स भी जरूर ट्राई करूंगा। बट अगर आप लोगों को कोई भी मिस आते तो आप लोग जरूर मिस बताना, क्योंकि मैं मिस आप लोगों के जरूर ट्राई करूंगा 100%। बाकी आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को दूसरी कोई मेरी वीडियो देखनी है तो आप लोगों जो ऊपर शो रही है उस पर क्लिक करके जाके देख सकते हो। मैं आप लोगों को वहीं पे मिलूंगा। बाकी बाय बाय, टेक केयर।